निरंतर होती सूचना क्रांति में नई नई वेबसाइटें आ रही हैं हर विषय पर। अब आध्यात्म की जानकारी लेकर एक पोर्टल पिछले दिनों जारी किया गया spiritualindia.com के नाम से, जिसमें आध्यात्मिक विषय, गुरुओं के प्रवचन, आध्यात्म का जीवन पर प्रभाव इत्यादि विषय शामिल हैं, जिसके संस्थापक हैं विक्रम रैना, इस दुनिया में एक जाना माना नाम। ये नॉन कमर्शियल पोर्टल है, हमने शुरुआत की है 100 पेजों के साथ। आप जरा पढ़िएगा, देखिएगा, spiritualtimesindia.com इसका नाम है, और इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर की हैं। भगवद गीता पर बहुत फोकस है, हमने जो हर रिलीजन के विषय में हमने ये कहा है कि हर रिलीजन में भी एक कॉमन स्पिरिचुअल थ्रेड है, और ये स्पिरिचुअल मास्टर्स पर हमने काफ़ी लिखा है और दिखाया है, और हम चाहते हैं कि जो विदेश के लोग हैं समझें कि भारत की संस्कृति कितनी उचित है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक सादे समारोह में इस पोर्टल को लोकार्पित किया प्रमुख वक्ताओं के द्वारा। स्वास्थ्य तथा अध्याम के विषय में जहां संजय चुग और नरेश त्रेहन ने चर्चा की, वहीं राजनीतिक प्रेरणा के बारे में शांता कुमार और डॉक्टर कर्ण सिंह ने अपने अपने विचार रखे। विक्रम का मानना है कि फिलहाल स्वपेट का ये पोर्टल जल्दी ही लोकप्रिय हो जाएगा। हाँ, इसमें हम हर महीने दो महीने हम ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अनाउंस किया ये विषय बहुत बड़ा है, पर हम शुरुआत सिर्फ भारत की संस्कृति पर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम spiritualtimesindia.com, क्योंकि हम जो संस्कृति हम जानते हैं वही बढ़ावा करना चाहते हैं। भगवद गीता पर बहुत इस पर फोकस है, और उपनिषद पर है, अष्टवक्र गीता पर है, हमारे हिंदुस्तानी जो गॉड्स एंड गॉडेसेस क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जब देखेंगे तो आपको अपने आप प्रसन्नता हो जाएगी। इस अवसर पर बुल्गारिया से आई कृष्ण भक्त लिलिया ने भरतनाट्यम के द्वारा अपने कृष्ण प्रेम को दर्शाया। दीपक टंडन ने अमृत के शीर्षक को अपनी पेंटिंग्स में उभारा। बहरहाल सूचना क्रांति के इस दौर में भारतीयों को अध्यात्म से कुछ सिखाने के लिए ये एक शुरुआत है।